नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रायडी प्रखंड इकाई के तत्वाधान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह और उल गुलान सभा का आयोजन गुमला जिले के रायडी प्रखंड अंतर्गत कांसीर पंचायत के कोयनार टोली गाँव स्थित फुटबॉल मैदान में रविवार को किया गया। इस कार्यक्रम में गुमला जिला क्षेत्र के 500 आंदोलनकारियों को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि संघर्ष मोर्चा के संस्थापक सह प्रधान सचिव पुष्कर महतो के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। यह प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्रकार सभी झारखंड आंदोलनकारी प्रफुल्लित ही नहीं भाव विभोर हो गए, खुशी से आंसू छलक पड़े। एक एक झारखंड आंदोलनकारी अपने परंपरागत वादी यंत्रों और परंपरागत अस्त्र शस्त्र के साथ मुख्य अतिथि पुष्कर महतो और विशिष्ट अतिथि भुवनेश्वर केवट का स्वागत किए। आंदोलनकारियों ने अतिथियों को झारखंड को बेहतर राज्य बनाने की लड़ाई लड़ने के लिए तीर धनुष भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर पुष्कर महतो ने कहा कि जनजातीय झारखंड आंदोलनकारी व झारखंडी समाज ही बेहतर झारखंड की परिकल्पना को साकार कर सकता है। झारखंड को बनाने वाले ही झारखंड को सजाएंगे। राज्य के अस्तित्व, झारखंडियों के अस्तित्व, स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा करने का दायित्व झारखंड आंदोलनकारियों का है। उन्होंने कहा कि हमारे राजनेता राज्य की जनता के विकास व कल्याण के लिए राज्य धर्म का निर्वहन करें, बेहतर राज्य बनाने के लिए कार्य करें। दुनिया हमारी खनिज संपदाओं पर ही नहीं, हमारी संस्कृति पर, हमारी ईमानदारी पर भी गौरव करते हैं, लेकिन अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। यही विडंबना है। हम राज्य में बेहतर झारखंड बनने के लिए परिस्थिति और स्थिति पैदा करेंगे। जो हमारी सुनेगा उसका ही हम सुनेंगे। झारखंड आंदोलनकारी भुवनेश्वर केवट ने कहा कि झारखंड के लिए लड़े हैं तो बेहतर राज्य भी बनाएंगे। मान सम्मान पहचान के मामले में किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं होगी। कंपनी राज्य के लोगों को झारखंड से उखाड़ फेंकना ही उल गुलान 2 का आगाज होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड आंदोलनकारी सीताराम उराव और संचालन सुधीर उराव ने किया। इस मौके पर पुरित भगत, रामदेव बड़ाइक, संजय भगत, सुनीता किंडो, खोरस क्रिकेटा, रंथु लोहरा, विमल खेस आदि उपस्थित थे। वी टाइम न्यूज के लिए रायडी गुमला से संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट।